फेसबुक पेज से प्रोफेशनल डैशबोर्ड किस तरीके से ऑन कर सकते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ऑन कर सकते हैं और कौन कौन सी सेटिंग है जिनको ऑन करने के बाद ही जाकर के प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो होता है वो इनेबल होता है, ऑन होता है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आप देख सकते होंगे मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। और दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक को ऑन कर लेना है। जैसे फेसबुक पे ऑन करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा थ्री डॉट का ऑप्शन दे रहा है, इसको क्लिक कर लेंगे। थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे तो देख सकते होंगे यहाँ पे हमारे में भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग ऑन करेंगे और ऑन करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ऑन हो जाता है, ये ऑन कर सकते हैं इसको। तो देख सकते होंगे यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक और सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये आ रहा है ऑप्शन फॉलो एंड पब्लिक कंटेंट का ऑप्शन दे रहा है, इसको क्लिक कर लेंगे। इसको जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। इसमें देख सकते होंगे फर्स्ट ऑप्शन जो दे रहा है इसको भी मैंने पब्लिक कर रखा है, तो आपको भी इस तरीके से पब्लिक कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है हु कैन सी योर फॉलो ऑन योर टाइम लाइन, तो इसमें भी मैंने पब्लिक कर रखा है, इसको भी आपको पब्लिक कर लेना है। और स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ये भी मैंने पब्लिक कर रखा है, इसको भी आपको पब्लिक कर रखना है। पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन इसका भी ऑप्शन है, एवरी वन पे क्लिक कर रखा है, तो आपको भी इसी तरीके से एवरी वन पे ही क्लिक करके रखना है। पब्लिक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल को पब्लिक करना चाहते हैं कि नहीं, जो कोई भी देख सके आपकी प्रोफाइल को, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसको भी पब्लिक कर देना है कि कोई भी आपकी प्रोफाइल को देख ले, फॉलो करे, वहां से जाके कर सकता है। ठीक है, देख सकते होंगे यहाँ पे कमेंट भी मैंने ऑन कर रखा है, इसमें आराम से कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग पहले यहाँ से ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद अब क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ की सेटिंग सारी ऑन हो चुकी है, फिर भी देख सकते होंगे यहाँ पे अभी आया हुआ नहीं है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन नहीं हुआ है। अभी और भी सेटिंग्स हैं जिनको ऑन करनी पड़ेगी, इसके बाद जाके ये यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपका लोगो का आइकन इधर दे रहा है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट का जो ऑप्शन दे रहा है दोस्तों यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते होंगे आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑन करने का जो ऑप्शन दे रहा है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है कि टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, ये आ चुका है, इसको ऑन कर इस पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देख सकते होंगे इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है, अब इसको ऑन करना है दोस्तों। तो इसको टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ये टर्न ऑन होना शुरू हो जाएगा, देख सकते होंगे बहुत सारी सेटिंग्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे है सेटिंग सारी कंप्लीट कर लेना है और जैसे हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने टर्न ऑन कर दिया था। तो अब इसको चलते हैं बैक, ठीक है, और बैक जाकर के देखते हैं कि आखिर में ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड दोबारा ऑन हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसी पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते होंगे यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड दे रहा है, अब लिख रहा है यहाँ पे कि टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, यानी प्रोफेशनल मोड जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, अब इसको देखेंगे कैसे कि कैसे पता लगेगा कि ऑन हुआ है कि नहीं, तो ये देख सकते होंगे यहाँ पे व्यू एज का ऑप्शन दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो देख सकते होंगे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोफाइल हमारी प्रोफेशनली दिखाई देने लगी है। और अब यहाँ से मैं बैक जाके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये ऑन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसको बैक कर लेते हैं थोड़ा, बैक करने के बाद इसमें से निकल गए। अब जाकर के दोस्तों देख सकते होंगे ये पेज है, इसके अंदर अभी भी ऑन नहीं हुआ है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे थोड़ा सा। अब फेसबुक को दोबारा से ऑन करेंगे, पूरी तरीके से बंद करके ऑन करेंगे दोस्तों। ऑन करने के बाद देख सकते होंगे यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे अब आ चुका है। एप्लीकेशन में सारी सेटिंग करने के बाद फेसबुक को बंद कर देना है, अपने बैकग्राउंड में अगर चल रहा हो यहाँ पे जैसे चलता है तो इसको यहाँ से भी हटा देना है। हटाने के बाद दोबारा से जब फेसबुक पे ऑन करेंगे तो देख सकते होंगे यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन हो चुका है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देख सकते होंगे कि स्टार्ट ये सारी चीजें इनेबल है मेरे के
मैं तो इसको इनेबल ही रहने देते हैं, देख सकते होंगे इसके अंदर सारी सेटिंग जो भी है आ चुका है। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड मोड ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड अपने प्रोफाइल का इनेबल कर सकते हैं, अपने पेज का भी इनेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड किस तरीके से ऑन करते हैं, किस तरीके से ऑन कर सकते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।